हाय माय ब्यूटिफुल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को नमस्ते सलाम सताल आदाब एक दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को सलाम नहीं बोला था नमस्ते नहीं बोला था तो आप सब लोग कह रहे थे मैम वो क्यों नहीं कर रहे हो आप <laughs> तो चलिए फिर से और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जिस टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक की रिक्वेस्ट काफी लोग कर रहे थे दैट मैम लाइफ आफ्टर मैरिज क्या होने वाली है कि आखिरकार जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी कैसे होगी फाइनेंशियली लव में कंपैटिबिलिटी कैसी होगी पर्सन के साथ में सेक्सुअल भी ठीक है और फैमिली uh, मैटर्स को लेकर के भी अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के भी ठीक है तो आज सब चीजों के ऊपर बात करेंगे ठीक है पूरे विस्तार से और uh, आज मैंने यहाँ पे ना आप लोगों के लिए चूज करने के लिए दो कार्ड्स रखे हैं पाइल नंबर वन एस ऑफ लव एंड पाइल नंबर टू सिक्स ऑफ लव ठीक है जी तो इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना आप उसे चूज कर लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट है ये सेकंड है ये पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू दोनों में से जो आपको अच्छा लगे एक मिनट स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को जो अच्छा लगे वो चूज कीजिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं ईस ऑफ लव से सो <coughs> so, हम शुरू करें पाइल नंबर वन से हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर वन तो जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था ना चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली ठीक है चलो शुरू करते हैं आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ बहुत लोगों की डिमांड रहती है भाई मैम हमारे सामने शफल किया कीजिए मन में गायत्री मंत्र पढ़िएगा ठीक है एज यूजल हमेशा की तरह बोलूंगी गायत्री मंत्र पढ़ने से जो मैसेजेस आपके हैं वो आपको ही मिलेंगे ठीक है ओके okay. कार्ड्स अभी नहीं चेक इन करेंगे हम बाद में चेक करेंगे ठीक है पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है किंग ऑफ पेनिकल्स दैट मीन्स कि जिस भी बंदे से आपकी शादी होने वाली है ना भाई बहुत पैसे वाला होगा ठीक है ओके एम्प्रेस सिक्स ऑफ कप्स द मून सेवन ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ बॉन्स ओके सो यहां पे है साइन एरीज लियो सेजिटेरियल कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ओके एंड कैंसर कैंसर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हो सकता है कि और टोरेस्गो कैपिकॉन भी है बट यहां पर मुझे ज्यादा चांसेस जो लग रहे हैं ना वो लग रहे हैं कि आप और आपके जो पर्सन है हो सकते हैं कि वॉटर एंड फायर साइनो ठीक है आई होप आप लोगों को आप कार्ज अच्छे से दिख रहे होंगे आई होप ओके सो गाइज मुझे यहाँ पे पहली चीज जो फील हो रही है ना वो ये कि मैं आज ये नहीं बताऊंगी आपको कि अभी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ठीक है मैं आज सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ कि आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसी रहने वाली है ओके सो फर्स्ट थिंग जो मुझे पहली चीज यहाँ पे कार्ड्स को उठाते के साथ ही फील हुई एम्प्रेस के कार्ड को देखते के साथ फील हुई वो ये है कि इस शादी के अंदर आपकी जो शादी होगी उसके अंदर डिले होगा डिले इन सेंस कि आप बहुत मैनिफेस्ट करोगे इस शादी को ठीक है तब जाकर के ये शादी आपकी परफॉर्म होगी बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे तब जा करके आपकी शादी होगी और ये शादी ना थोड़ा लेट हो सकती है लेट इन सेंस की हो सकता है आपने प्लान किया हो आपके पेरेंट्स ने प्लान किया हो या फिर आपके रिचुअल्स कुछ ऐसे हो कि भाई जल्दी शादी हो जाती है हमारे घर में तो लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं जल्दी शादी नहीं होने वाली है गाइस ठीक है ये शादी आपकी देर से होगी देर से हो सकती है ऐसे पच्चीस से ना अट्ठाईस के बीच का समय मुझे फील हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो ऐसे हो सकती है या फिर कुछ लोगों के लिए मेरे को तीस से पैंतीस के बीच का भी टाइम लग रहा है ओके तो कुछ ऐसी रुकावटें रहेंगी आपकी शादी में ओके जैसे उनके उनके घर वाले नहीं मान रहे या कुछ इस तरीके का मैटर होगा तब जाकर के ये शादी होगी और आपकी जो शादी है ना आपके टीएफ से होगी या तो या फिर आपके मुझे लग रही है सोलमेट से होती है ज्यादातर लोगों के लिए मुझे सोलमेट फीलिंग आ रही है यहाँ पे ठीक है देख रहे हो आप यहाँ पे दोनों ही कहा जाए सो so, मुझे क्या लग रहा है ना गाइस कि आपकी जो शादी होगी ना एक ऐसे इंसान से होगी जिसे आप पहले से जानते हो और जिस पर्सन के साथ में ना आपने काफी समय बिताया है काफी समय जो आपका सोलमेट हो सकता है या फिर आपका ट्विन हो सकता है सोलमेट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है विद द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड ओके जी अच्छा अब मैं अब हम चलते हैं मैंने वैसे कहा था मैं बताऊंगी नहीं बट मैंने थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया आपको ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी क्या रहने वाली है सबसे पहले हम अगर बात करें इन लॉज की सबसे पहले उन्नीस से शुरू करते हैं तो इन लॉज की मैं बात करूं ना तो आपको एक तरीके का धोखा फरेबसा एक तरीके का ना बुरापन सा मुझे लग रहा है स्पेशली फ्रॉम हिज और हर मदर आपको ना अच्छा सा अच्छा नहीं फील होने वाला है ठीक है आपको ऐसा फील होने वाला है कि क्यों क्यों मैंने इस बंदे से शादी करी क्योंकि इसकी मदर तो बिल्कुल ही मतलब खत्म औरत है बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि कोई इमोशंस की नाम की चीज ही नहीं है मैं इतना करती हूँ मैं इतना करता हूँ स्टिल उसका बिहेव हमेशा मेरे लिए ऐसा ही रहता है जैसे मुंह अजीब सा बना लेना चिड़ा लेना और एकदम ऐसे अपने फॉरहेड पे ऐसे दोहरिया लगा लेना ठीक है वो जैसे सलवटे नहीं बना लेते हैं लोग किसी ना किसी को देख करके जिनको पसंद नहीं करते हैं ऐसे कर लेना और हमेशा व्यंग से कसते रहना कमेंट से करते रहना ठीक है और हमेशा ना मुझे ताने देना हमेशा मतलब मेरे काम को क्रिटिसाइज करना कुछ इस तरीके का ना इसकी मदर के साथ आपका व्यवहार रहेगा बिकॉज इसकी मदर नहीं चाहेगी कि आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो मैं फिर बता रही हूँ ठीक है अगर मैं और जनों की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके ससुर फिर भी कंपेरेटिवली आपकी सासू मां से ठीक हों बट स्टिल वो जोरू के गुलाम होंगे ठीक है जोरू के गुलाम इन सेंस की उनकी वाइफ जैसे उनको बोलेगी करने के लिए वो बिल्कुल वैसे करेंगे ठीक है जी तो आ, इन लॉस की तरफ से तो थोड़े पंगे ही हैं ओके लेकिन आप उनको डील कर लोगे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे डील करते हुए दिख रहे हो आप ओके सो so, इनके दिमाग में पता है क्या रहेगा कि यार इससे ना कई गुना बेहतर लड़की ना विद दिस सेवन ऑफ कप्स इससे कई गुना बेहतर लड़की या लड़का मेरे बच्चे को मिल सकता था बट अब जब वो वाली बात आ जाती है ना फिर ये लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई जब दिल आया ठीक है तो फिर परी क्या चीज है और परा क्या चीज है ठीक है कुछ इस तरीके का मैटर रहने वाला है तो इन इन शॉर्ट अगर मैं सौ बातों की एक बात बोलूँ तो इन लॉस के साथ आपकी नहीं बनने वाली है ठीक है लिखवा के ले लो नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी बिकॉज इनके मन में आपके लिए ये मैटर है कि इससे कई गुना ज्यादा बेहतर इंसान मेरे बच्चे की जिंदगी में आ सकता था अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन की जो कि है आपका सिक्स ऑफ वॉन्स यानी कि आपका दूल्हा दूल्हे का एक कार्ड आ गया यहाँ पे शादी का एक कार्ड आ गया तो मुझे क्या लग रहा है ना पहली चीज सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है सी ये बंदा ना छोटे से से बड़े पैमाने पर गया होगा अपने फाइनेंसेस को लेकर के ठीक है काफी ज्यादा मतलब छोटे से चीज से बड़े पे गया है ये बंदा और ये जो है ना काफी ज्यादा अबेंडेंट होगा अबेंडेंट इन सेंस काफी ज्यादा पैसे वाला होगा तो फाइनेंस पहले मैंने आपको बता दी अनलॉस की तरफ से अब मैं आपको फाइनेंसिस की तरफ से बता रही हूँ कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होने वाली फाइनेंसिस के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जॉब करोगे ठीक है आप भी जॉब करोगे और आपकी ये पर्सन जो है ना ये भी जॉब करेंगे और काफी अच्छा जॉब होने वाला ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का खुद का बिजनेस हो और वो जो बिजनेस रहेगा ना वो इनका इतनी तरक्की पे तरक्की करेगा तरक्की पे तरक्की करेगा ना कि आपको इतनी खुशी होगी उस चीज़ में कि आप जो कुछ भी बोलोगे ना आपको चुटकी बजाते हुए चीज़ें सामने मिलेंगी ठीक है कई बार तो ऐसा भी होगा कि बंदा ना मतलब इतना ज़्यादा आपसे प्यार करेगा अगर मैं फाइनेंसिस के तरीके से थोड़ा सा समझाऊं कि ये आपको ना कैश वगैरह देके रखेगा कि लो डियर तुम ना इसको अपने पास में रखो और जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम इसको यूज कर लेना और हो सकता है इसलिए इसकी मदर भी चिड़े इन सब चीजों से कि हमारा बेटा बदल गया वो जोर का गुलाम बन गया जबकि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी जोर का गुलाम बनाया हुआ है <laughs> तो इसमें हर क्या है ठीक है और ये जोरू का गुलाम एंड सेंस ये सब चीजें तो बकवास बातें हैं प्यार होना बहुत जरूरी है और वो चीज ये बंदा आपको देगा तो फाइनेंसेज में मुझे नहीं लग रहा किसी तरीके की कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको ठीक है फाइनेंसेज आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं काफी बड़ा हाउस लग्जरी सा मुझे फील हो रहा है लग्जूरियस हाउस हो गया गाड़ी हो गई और अच्छे कपड़े अच्छे गहने <clears throat> किसी तरीके की कि मेरे को पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अब हम बात करते हैं प्यार को लेकर के जो आपका दूल्हा है यानी कि जो आपका ब्राइड ग्रूम होगा उसके साथ में जो आपका प्यार होगा ना वो ऐसा होगा विक्ट्री वाला प्यार होगा विक्ट्री वाला प्यार यानी कि बहुत मेहनत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके चीजों को इतना सेटल कर करके जब जाकर के आपकी इस बंदे से शादी होगी और जब इस बंदे से शादी हो जाएगी ना तो ये आपको ऐसे रखेगा जैसे हाथ के छाले की तरह जब हाथ पे छाला हो जाता है तो हम कैसे करते हैं उसको हाय राम इसको पानी से भी बचाओ इसको धूप से भी बचाओ इसको डस्ट से भी बचाओ और इसको जल्दी से करो। कि आपको बेबी की तरह पैम्पर करेगा इसके दिमाग में हर वक्त ये ही रहेगा सवाल कि यार इसको कोई परेशानी नहीं हो जानी चाहिए इसको कोई दुख नहीं हो जाना चाहिए ठीक है और इसको ना इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट रहेगा कि इसके पेरेंट्स आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते स्पेशली इनकी मदर तो इनको थोड़ा सा ये परेशानी रह सकती है और ये इस चीज़ के लिए ना आपसे रोज़ माफ़ी भी मांगेंगे कि अच्छा आज माँ ने कौन सा ड्रामा क्रिएट किया था बताना <laughs> ठीक <laughs> है और आप इनको हंस के बोल दोगे जब पता है पूरे दिन आप है ना उस चीज को पीते रहोगे ना कि इसकी मदर ने ऐसा किया ऐसा किया मेरे साथ ऐसा करती है तो आप ना एकदम परेशान से हो जाओगे लेकिन रात को जब इस पर्सन का फेस देखोगे ना और ये जब आपसे एकदम प्यार से पूछ लेंगे अच्छा बताओ आज ने और क्या किया तो आपका ना सारा गुस्सा शांत हो जाने वाला है आपके दिमाग में ये थॉट आ जाएगा कि हाय राम बेचारा बंदा पहले से ही इतना ज्यादा गिल्ट में है इस चीज को लेकर के मैं इसको क्या बताऊं तो आप ना डाई कर दोगे उस चीज को आप ये सोचने आप इसको ये बोल दोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं इट्स जस्ट ऐसे ही था नॉर्मल डे था और मैं बहुत ज्यादा बिजी थी या बिजी था ठीक है प्लीज जो लड़के देख रहे हैं ना वीडियो को वो उस तरीके से ले लीजिएगा था थी के चक्कर में मत फंसीएगा बिकॉज एनर्जीज मैं पिकअप करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा ईजी पड़ता है ऐसे बोलना बिकॉज मैं भी एक लड़की हूं तो इस वजह से ठीक है तो प्लीज ऐसा मत बोलना कमेंट में मैंने अभी भी एक आध कमेंट पड़े थे आजकल में कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है क्या रीडिंग ऐसा नहीं है गाइस मैं हर बार बोलती हूं ये था थी के चक्कर में ना फंसू इट्स ऑल अबाउट एवरी वन ठीक है मैं एनर्जी स्पिक कर रही हूँ कोई जेंडर कोई कम्युनिटी कुछ नहीं ओके okay? हाँ जी तो इस पर्सन के साथ में अगर लव की बात करें तो ये बंदा आपको बहुत प्यार करने वाला है ठीक है काफी ज्यादा प्यार करने वाला होगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा आपकी छोटी छोटी जरूरतों का तुरंत ख्याल रखेगा ठीक है और काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा फील हो रहा है ना मुझे कि ये बंदा आपसे बहुत प्यार करेगा टू ऑफ कप्स इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि आपकी और इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इतनी कम की होगी कि आपके जैसे आपके घर वाले हुए या फिर इनके घर वाले हुए तो दूर दूर तक खानदान में ना लोग बोलेंगे कि यार की, उसकी उसकी कंपेटेबिलिटी देखिए यार अपने आप ही समझ जाते हैं वो एक दूसरे को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आंखों आंखों में इशारे करके सब कुछ आपस में सॉल्व कर लेते हैं बहुत कम लड़ाइयां हुआ करेंगे आप लोगों की मैं फिर बता रही हूँ ठीक है हाँ ये बात है कि इस पर्सन के ऊपर ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हो सकता है ये पर्सन आपको समय कम दे पाए ठीक है मैं ये चीज़ भी बताऊँ बिकॉज इस बंदे के पास ना ऑलरेडी बहुत सारा वर्क है बहुत सारा तो ऐसा हो सकता है कि ये ना आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है इसके ऊपर तो आपको वक्त थोड़ा सा कम दे पाए इसको लेकर के आप थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है कि तुम, तुम तुमने बोला था मुझे मूवी लेके चलोगे बट तुम ना मुझे मूवी तो क्या तुम मुझे कहीं भी नहीं लेके जाते हो ये वो तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ी खींचतान हो सकती है और इस देखो ना आपको मनाना अच्छे से आता है मैं फिर बता दूँ ठीक है तो वो कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं आने वाली है फॉर श्योर sure. रही बात ये कि इस पर्सन के साथ में आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी तो वो बहुत कमाल की होने वाली है आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी फिजिकल रिलेशन मेंटेन करोगे तो आपको एक तरीके का ना अरोमा फील होगा आपको एक तरीके की ऐसी खुशबू महसूस होगी क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूं विद दीज थ्री कार्ड्स कि आपको एक तरीके का ना ऐसे ऐसी संतुष्टि सी uh, महसूस होगी एक तरीके का सेटिसफेक्शन फील होगा मतलब नॉट दैट सेक्शुअल वे ठीक है वो उस चीज में मैं नहीं बोल रही हूँ आपको आप जब भी एक फिजिकल रिलेशन मेंटेन करोगे इस पर्सन के साथ में तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि एक तरीके की प्यास है एक तरीके का जो सिनेरियो था जो मैं इतने समय से जो चीज मतलब एक तरीके से कंप्लीट महसूस करोगे इफ मैं सौ बातों की एक बात बोलूं तो ठीक है तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करने वाले हो बहुत ज़्यादा मतलब आपस आप में दोनों ही अच्छे से इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी बहुत कमाल की है रही बात अंडरस्टैंडिंग वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ये बंदा आपसे बहुत प्यार करेगा ठीक है तो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ और सिर्फ तो इसकी मदर की तरफ से होगी ओके और कहीं से होती हुई मुझे नहीं लग रही है आपकी ज़िंदगी शादी के बाद बहुत खुशनुमा होने वाली है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आ, <clears throat> नंबर भवन आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैं कहने वाली थी दुख का नाम लेने वाली थी जस्टिस का कांडा आ गया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना अपने बचपन से ही ढेर सारे ट्रॉमा देखे हो मे भी हो सकता है पेरेंट्स के झगड़े हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो या फिर मनी मैटर में कोई प्रॉब्लम आई हो मतलब इन सब चीज़ों के थोड़े से प्रॉब्लम आए हो या फिर शादी में बहुत ज़्यादा डिले हुआ हो कई लोगों की मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिजेस भी होती हुई दिख रही है ठीक है ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इनको छोड़ के जाए और कोई न्यू पर्सन

ये पर्सन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है डेथ का कार्ड दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स होंगे आपकी जिंदगी में नया एकदम नयापन महसूस करोगे आप आपको ऐसा फीलिंग आएगी ना कि वाओ इसी चीज की तलाश थी मुझे और फाइनली वो पूरी हुई देन वी हैव लवर्स कार्ड बाकी कार्ड्स मैं नहीं लूंगी जो नीचे गिर गए थे ठीक है तो हाँ फॉर श्योर sure मैंने बोला ही था कि या तो सोलमेट होगा या आपका या फिर ट्विन फ्लेम होगा जिससे आपकी शादी होगी चलिए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं लाइफ आफ्टर मैरिज और कैसी रह सकती है आप लोगों की मुझे तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं नजर आ रही है आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो बहुत खुश रहने वाले हो ठीक है कमिटमेंट <laughs> मैंने कहा ना कि आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम से शादी होगी और अभी जिस पर्सन के साथ मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को मैं इतने इतनी देर से रोक के बैठी हुई हूँ खुद के फ्लो को आप अभी इस पर्सन के साथ नो no कम्युनिकेशन में हो ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने पार नंबर वन चूज़ किया है आप लोग इस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन सिस्टम में हो ठीक है और ये बंदा वापस आकर के आपको कमिटमेंट देगा और कमिटमेंट देने के बाद में ना आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत खुशनुमा रहने वाली है ठीक है एक कार्ड और ले लेते हैं

कंप्लीट पुल महसूस करने वाले हो बहुत ज्यादा खुशनुमा जिंदगी होने वाली है मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ जिस वे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बॉटम ऑफ द डेक आई होप मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है ओके सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है लुक एट द बिगर पिक्चर यानी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं ना यार उसके बारे में सोचो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स यानी कि मैंने बोला ना कमिटमेंट आएगा बंदे की तरफ से तो जिसके भी साथ अभी आप नो कम्युनिकेशन सिस्टम में होना वो पर्सन वापिस आपकी जिंदगी में आएगा और उसके साथ में लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत खुशनुमा रहने वाली है ठीक है एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स होगी सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आईज आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आयेगा आज का वीडियो और आप लोगों से रेजोनेट भी किया होगा क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही बहुत लोगों से रेजोनेट करने वाला है ठीक है अगर किया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा लाइक करके ठीक है अगर आज के इस वीडियो को टेन के से ऊपर लाइक्स मिले ठीक है टेन के से ज्यादा लाइक्स मिले टेन थाउजेंड से तो मैं आप लोगों से एक, एक गिफ्ट शेयर करने वाली हूं ठीक है चलिए सो so, देखते हैं ओके okay? अगर इस वीडियो को आने वाले वन वीक के अंदर अंदर टेन के से ऊपर लाइक्स मिले सो मैं आप लोगों से एक गिव अवे मैं बताई देती हूँ गिव अवे गिव अवे ऑफ रीडिंग वाला जो है सरप्राइज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ठीक है चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बाय हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू जिन लोगों ने सिक्स ऑफ लव का कार्ड चूज किया था यानी कि सिक्स ऑफ कप्स चलिए देख लेते हैं सोलमेट कार्ड है ये भी ठीक है मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम दी कार्टोमेंसी डेक ठीक है जी तो चलिए शुरू करते हैं कि सिक्स ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड जिन्होंने भी चूज किया था आखिरकार उनकी शादी के बाद उनकी जिंदगी कैसी रहने वाली है ठीक है चलिए हमेशा की तरह टैरों से शुरू करेंगे और हमेशा की तरह प्लीज गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा या फिर जो भी प्रेयर आपको आती है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही देखें ये वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कई क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम आप गायत्री मंत्र बोलते हो बोलने के लिए वीडियोस में लेकिन मैं तो क्रिश्चियन हूं मैं तो मुस्लिम हूं मैं तो सिख हूं मैं नहीं बोल सकती ये वो ऐसा कुछ नहीं है जो भी प्रेयर आपको आती है गायत्री मंत्र इज लाइक कि आपको जो भी प्रेयर आती है जो भी प्रेयर आप बोला कीजिए इससे क्या है आपके जो मैसेजेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे और किसी को नहीं ठीक है चलिए और स्पेशली हर वीडियो फिर आपसे रेजोनेट होगी क्योंकि आपको उसके अंदर से चाहे टेन ट्वेंटी परसेंट या आपके मैसेजेस है वो जरूर मिलेंगे यानी गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा चलिए शुरू करते हैं आप शुरू करते हैं फॉल नंबर टू वालों की जिंदगी आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है ये आज में नहीं लूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी ओके अब तो लेने ही पड़ेंगे और वो ही कार्ड आ गए ओके <laughs> okay, जी ठीक है एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस ब्रिको कैप्रिकॉन फायर एंड अर्थ कॉम्बिनेशन ठीक है देन वी हैव टेन ऑफ सोड्स पेज ऑफ कप्स थ्री ऑफ सोड्स प्रॉब्लम बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड ओके अगर मैं अभी का सिनेरियो आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो अभी यह है कि आप अपने मनी में और अपने करियर में अपने प्यार को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो पाइल नंबर टू अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके पर्सन वापस आएंगे और उन्हीं से आपकी शादी होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज फिफ्टी फिफ्टी सिनारियो है ठीक है आपकी शादी एक अननोन पर्सन से होने वाली है पेज ऑफ कप्स एक अननोन पर्सन एक तरीके का ना आपकी शादी होगी आ, आपकी शादी ऐसी होगी आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे आपकी शादी ना अरेंज मैरिज ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे ठीक है ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी ना मैं फिर बता दूँ आप लोगों को बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग सो जो मैसेजेस आपके हैं ठीक है ठेके? वो ही आप रिसीव कीजिएगा बाकी नहीं मुझे बहुत कम लोगों के लिए पाइल नंबर टू ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी सोलमेट से या फिर किसी ट्विन से होने वाली है और कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है सिर्फ कुछ लोगों के लिए विथ दिस डेथ कार्ड एंड कोई ऑफ पेनिकल्स कार्ड कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आधा आधा सिनेरियो आ रहा है तो मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ ओके वी हैव हरमिट फोर ऑफ सोड्स किंग ऑफ वार्नस एंड टेन ऑफ वार्नस बॉटम ऑफ द डेक ठीक है बिल्कुल सो so, uh, हो सकता है पायल नंबर टू बहुत कम लोगों से रेजुनेट करे लेकिन जिन लोगों से रेजुनेट करे ना गाइस संभल जाना बिकॉज आपकी शादी ना किसी कार्मिक बंदे से होने वाली है और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज चेक करवा लीजिएगा कि ये बंदा मेरा कार्मिक तो नहीं है ठीक है चेक प्लीज़ करवा लेना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आए जो आपका दिल दुखा के गया हुआ है ठीक है आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हो और आप आपने अपने, अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ है आप किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रहे हो ठीक है अब आपके जहन में ये है कि आपके घर वालों को जल्दी लगी हुई है शादी करो शादी करो शादी करो ठीक है और आपके मन में एक तरीके की होप है कि ये बंदा वापस मेरी ज़िंदगी में आएगा और सब कुछ ठीक तरीके से होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पर्सन वापस आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगाने वाला है और इतना समय आप लोगों के पास में नहीं है ठीक है क्योंकि आप लोग भी हद वाले नेगेटिव रहते हो तो आप कुछ भी चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो आपके जहन में ना हर वक्त एक ही बात घूमती रहती है कि यार ये बंदा नहीं आया तो मेरी शादी किसी और से हो गई तो फिर मेरा क्या होगा ये वो और वो चीजें ना मैनिफेस्ट हो रही हैं, बिकॉज आप फुल इंटेंशन के साथ में उस चीज को ना मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो करियर भी आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो पेरेंट्स का पेरेंट्स के थॉट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जब सब कुछ ठीक है ही नहीं तो क्यों ना इसकी शादी करवा देनी चाहिए ठीक है थोड़ा सेटलमेंट होगा थोड़ा सा सेटल होगा तो शायद होगा या होगी तो शायद आ, हो सकता है कि चीज़ें सुधरने शुरू हो जाएं ठीक है कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे सिनारियो लग रहा है अब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि आखिरकार शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप बोलो कि मुझे कुछ करना है ठीक है मुझे कुछ करना है इन सेंस आपको कुछ आ, अपने करियर में करना है तो मुझे यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं ठीक है मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आप जॉब वगैरह थोड़ा मुझे नहीं लग रहा कि करने वाले हो और अगर आप शादी के बाद जॉब करते हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको ठीक है पैसे को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप शादी के बाद जॉब वगैरह करोगे किसी तरीके का नुकसान हो सकता है तो आपके हस्बैंड आपको या आपके हस्बैंड या वाइफ आपको यही बोलेंगे कि भाई तुम बिजनेस विजनेस रहने दो मैं कमाती हूं या मैं कमाता हूं हम लोग देख लेंगे ठीक है कुछ इस तरीके का मूवमेंट रहने वाला है रही बात अगर मैं मैंने फाइनेंसेस बता दिए रही बात अच्छा हाँ एक चीज और कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपेन्डेंट होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर सोचो कि छो, छोड़ो मुझे नहीं करना है कोई काम मैं बस अब आराम कर लेती हूं या कर लेता हूं ठीक है ऐसा भी हो सकता है दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लॉस कैसे होंगे तो इन लॉस की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है मुझे आपकी जो मदर इन लॉ होगी ना आपको बहुत ज्यादा प्यार देगी क्वीन ऑफ पेनिकल्स काफी ज्यादा प्यार देने वाली हो सकती है ठीक है और मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि आपकी ये ससुर ना हो उनकी पहले ही डेथ हो गई हो या फिर आ, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो ठीक है डाइवोर्स वगैरह कुछ ऐसा भी सिनेरियो है लेकिन हाँ आपकी जो मदर इन लॉ होगी ना वो आपसे बहुत बे, बे इंतहा प्यार करेंगे आपको एकदम बेटी या बेटे की तरह ट्रीट करेंगी ठीक है किसी तरीके की कोई भेदभाव कोई धुआंत नहीं होने वाली है यहाँ पे लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस घर का कोई बड़ा है हो सकता है कोई फादर फिगर हो सकता है फादर नहीं लग रहा है मुझे मैं पहले ही बता दिया है कोई फादर फिगर हो सकता है जो कि आपसे चिड़े ठीक है कि ये कैसे इसको प्रोटेक्ट कर लेती है अब आप अपनी सास का आपका और आपकी सास का इतना अच्छा बॉन्ड रहेगा ना कि आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर लोगे आपकी सास जो होगी ना बहुत ज्यादा सीधी होने वाली है ठीक है आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वो जो कोई बूढ़ा बड़ा है इनके घर में ठीक है कोई जो मेच्योर पर्सनैलिटी है कोई ताऊ वगैरह तो वो फिर इस चीज से चिड़ेगा कि यार ये हमेशा ना बचा लेती है इसको हम इसकी बेइज्जती नहीं कर पाते कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहेगा अब अगर मैं बात करूं आपके पर्सन के साथ में तो ये पर्सन ना आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा किंग ऑफ वॉर्न्स का कार्ड है विद पेज ऑफ कप्स बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा बहुत कुछ ढेर सारा प्यार ढेर सारे गिफ्ट ढेर सारा समय हर चीज़ देने की कोशिश करेगा लेकिन आप जो हो ना हमेशा गार्डेड अप रहोगे तो ये चीज़ बहुत गलत है अब जब शादी हो ही जाए किसी और से तो और वो बंदा बेचारा आगे से इतने एफर्ट्स कर रहा है तो आपको भी एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए तो आप वही चीज़ मेरे को करते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको इतने गिफ्ट दे इतना समय देने की कोशिश करे कि आओ यहाँ बैठो चलो हम वहाँ घूमने चलते हैं तुम ये पहनो तुम ये खाओ तो आपको ऐसा फील हो कि यार इस बंदे ने ना मेरी जिंदगी को भान दिया है मैं खुद की नई मर्जी चला पा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा हर्ट ब्रोकन सा फील हो और इस चीज़ को लेकर के इस बंदे को ना बहुत ज़्यादा दुख महसूस होने वाला है काफी ज्यादा बर्डन्स और हार्ट ब्रेक की स्थिति भी हो सकती है ये बंदा ना हमेशा आपका वेट ही करता रहेगा कि ये कोई ना कोई स्टेप ले मेरे लिए ये कुछ करे मेरे लिए ठीक है और ये पर्सन ना हर वक्त एक तरीके के उदासी से माहौल में रहेगा कि इसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको आखिरकार चाहिए क्या आप अपने पास्ट पर्सन से हील ही नहीं हो पाओगे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब बंदा सामने से इतने ज्यादा केयर कर रहा हो ना तो आपको भी थोड़ा से स्टेप ले लेने चाहिए ठीक है आप हमेशा ना क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जीज में ही रहोगी कि रहोगे या रहोगी ठीक है किंग ऑफ सोर्ड्स इमेजिन कर लेना गाइस जो लोग लड़के वीडियो देख रहे हैं ओके आप हमेशा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में रहोगी कि अगर ये बंदा मेरे को कुछ कहे और मैं आकर इस पर झड़प जाऊं बुरी तरीके से मतलब एक खिसियानी बिल्ली टाइप एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ठीक है जो कि बहुत गलत है तो ये पर्सन काफी कुछ आपको देने की कोशिश करेगा स्टेप लेने की कोशिश करेगा लेकिन आप जो हो ना आप इस पर्सन को रत्ती भर रत्ती भर पसंद नहीं करने वाली और ये चीज़ बहुत गलत है इस चीज़ को सिनेरियो को अभी से ही सुधार लीजिएगा अगर आपके अरेंज मैरिज होने वाली है और ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं ठीक है दूसरी चीज मैं आपको बता दूं ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इसलिए ये पर्सन ना पसंद आए क्योंकि ये आपको ऐसा लगे कि यह पर्सन मेरा कार्मिक है ठीक है ये मुझसे अपना कर्मा चुकाने के लिए आया है तो कई लोगों के लिए ये चीज सही भी है और कई लोगों के लिए ये चीज गलत भी है ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको किसी तरीके का को कोई स्टेप ना दो इतना बंदा कर रहा है तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा बुरा बन जाए ठीक है आगे चल के ये आपकी कदर ना करे आपको अच्छे से ट्रीट ना करे डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करे ठीक है तो ये बंदा कार्मिक भी बन सकता है इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर पर्सन सामने से ही आपको बोल रहा है सामने से ही कर रहा है तो आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा ठीक है अगर मैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो यहां पे मुझे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा है ठीक है आपका मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा है हाँ इस पर्सन का बहुत इंटरेस्ट रहेगा आपको टच करने में हक करने में किस करने में आपको देखने में ठीक है आपको छूने में लेकिन आपका इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है ठीक है जब भी ये आपके साथ फिजिकल होने की बातें करेंगे तो आप हमेशा ना इनको अवॉइड कर दोगे इग्नोर कर दोगे ये एक और चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपको हेट करना शुरू करे कि यार इसको चाहिए क्या मैं इतना कुछ करता हूँ स्टिल इसको पता नहीं किस चीज़ की वो लगी हुई है कि चिड़ लगी हुई है कि यार देखो मैं इतना कुछ करता हूँ उसके बावजूद भी मुझसे इस तरीके से बिहेव करती है इस तरीके का व्यवहार करती है तो वो चीजें इनका ना दिल बहुत ज्यादा दुखाने वाली हैं ओके रही बात अंडरस्टैंडिंग तो की तो अंडरस्टैंडिंग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है आप ना सोल लेवल पे ही समझ जाओगे आप आंखों आंखों में इशारे को ही समझ जाओगे कि बंदा क्या सोच रहा है मुंह देख करके आप है ना अंदर का मतलब अः कहते ना वो लिफाफा देख के अंदर का क्या निकाल लेना कुछ ऐसे एक कहावत है तो वो चीजें मुझे लग रही है यहाँ पे ठीक है लेकिन हाँ आप इस पर्सन के साथ अच्छा नहीं करोगे अगर आप लोग ये सब करने वाले हो तो ठीक है तो इफ अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो अपने अगर आपका पर्सन नहीं आ रहा है आपका पास्ट पर्सन और घर वाले बहुत जिद कर रहे हैं तो ही आप आ, मेंटली प्रिपेयर हो तो ही आप शादी करें अदरवाइज किसी दूसरे की जिंदगी ना बर्बाद करें पाइल नंबर टू मैं आप लोगों को बता दूं अंदर की दिल की बात है मेरी ये क्योंकि पर्सन बहुत दुख पाता है फिर द एम्पर ठीक है फिर ये बंदा ना एम्परर वाली कंडीशन में आ जाएगा मैं बता रही हूं आपको ये इतना स्टबन हो जाएगा ना कि फिर आप जाए जो कुछ कर लो इसके लिए फिर ये कभी कुछ सही करने वाला नहीं है टावर का भी कार्ड है यहाँ पे ठीक है तो आ, शादी होने के बाद जिंदगी थोड़ी सी कठिन मुझे और ज्यादा लग रही है अगर आप ये सारी चीजें करने वाले हो तो अगर सामने से बंदा आपको प्यार करे तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वरना जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी ठीक है देन वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल यानी जिंदगी आपके हाथों में है एंड मेच्योरिटी यानी कि आपको शादी के बाद थोड़ा सा मेच्योर होने की जरूरत रहेगी कि अब जो जो हुआ सो हुआ अब ये मेरी जिंदगी और मुझे इसको एक खूबसूरत मोड देना है ठीक है सो जस्ट मेंटली बी प्रिपेयर तभी जाकर के आप शादी करें अदरवाइज ना करें किसी और से ठीक है फिर है हमारे पास वर्क थ्रू योर फियर्स आपको अपने आ, फियर पे डर पे काबू पाना चाहिए ये समय है हील होने का यह समय है एक बड़े बदलाव का नथिंग इज यट सेट इन टू द स्टोन कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पत्थर का लिख दिया और हो गया ऐसा नहीं है चीजों को आप बदल सकते हो अपने थॉट लेवल से ठीक है तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग आई होप आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिला होगा अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इस वीडियो को टेन के लाइक मिलते हैं गाइज मैं आप लोगों से एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो मैं गिव अवे रखने वाली हूँ ठीक है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं गिव अवे रखूंगी आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर इस वीडियो को टेन के लाइक्स मिले इस आने वाले वीक में ठीक है तो अपना अपना ध्यान रखिएगा नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मेल करें फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना ध्यान रखिएगा बाय